तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से वापस आ चुके एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ, वो भी पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर। तो गाइस, जैसे कि तुम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि लेवल 6 जो था वो हम लोग का टारगेट था लास्ट वीडियो में। मैंने तुम लोग को बोला भी था, तुम लोग देखे नहीं होगे वीडियो जाके, तो जल्दी से देख लो भाई फटाफट से। और हाँ गाइज, मैं देख रहा हूँ कि जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो थोड़ा कम दब रहा है, तो थोड़ा ज्यादा दबा दो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज, मैं भी वापस आता हूँ बातचीत में। तो मेन बातचीत ये था कि लास्ट एपिसोड में जो था, मेरा वो टारगेट था कि मुझे लेवल 6 करना है, लेकिन लेवल 6 मेरा हो नहीं रहा। तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, बहुत सारे पीसी ठीक किए, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा ऑफ कैमरा ग्राइंड किया, और ऑफ कैमरा ग्राइंड करने के बाद मेरा लेवल 6 हो चुका है। लेकिन लेवल 6 होने से पहले हम लोग लास्ट एपिसोड में जो फेरी फेल्स है उसको चेंज करने के लिए हम लोग ओपन कर चुके थे, यानी कि वो ओपन हो चुका, अनलॉक हो चुका था। फेरी फेल्स क्या होता है, जैसे कि पीसी के साथ जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स आता है, जैसे कि अपने पास माउस रहता है, अपना अलग सा कीबोर्ड रहता है, वो सब चीज़, हेडफोन्स, ये जितने भी चीज़ें सब अलग से आते हैं, तो उसको भी हम लोग अपने सेटअप में चेंजेस कर सकते हैं। तो गेम के अंदर चलेंगे, आज का गोल सिंपल है, वो जो कबर्ड है वो ओपन करेंगे, फिर हम लोग जो फेरी बल्स है उसको चेंजेस करेंगे। और एक और चीज़ सरप्राइज है, वो मैं तुम लोग को गेम के अंदर चल के दिखाऊंगा। तो फटाफट से गेम के अंदर चलते हैं और आज का दिन चालू करते हैं। तो लेट्स गो गाइस, फटाफट से। तो गाइस, फाइनली हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं, और ये हम लोग का रूम है भाई। तुम लोग को इधर कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या? अच्छे से नोटिस करो, कुछ भी चेंजेस दिख रहा है क्या? कुछ भी चेंजेस? खैर, मैं तुम लोग को चेंजेस अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फटाफट से हम लोग जो फेरीफल्स दिखे थे वो वाले फेरीफल्स में पहले हम लोग हेडफोन को चेंज करते हैं। तो हेडफोन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग एसुस आरओजी आरजीबी वाला ये लगाना है। एक काम करते हैं हम लोग रेजर, नहीं यार, एसुस आरओजी आरजीबी वाला अच्छा लगता है। माइक को चेंजेस कर सकते हैं, माइक को नहीं कर सकते। हाँ, ये चेंजेस हो सकते हैं। इसमें हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना एक अच्छी आरजीबी लाइटिंग वाली लगा दूं मैं। तो यार कौन सी लगाऊं तुम लोग बताइए? एसुस टीयूएफ गेमिंग K7 का लगा है, क्यों ना हम लोग को एक अच्छा वाला सा लगा यार। वाइट कलर का थोड़ा ज्यादा चलन है, तो व्हाइट कलर का हम लोग लगा लेते हैं फटाफट से। तो मैं सोच रहा हूँ व्हाइट में मेरे हिसाब से ये वाली ज्यादा अच्छी दिख रही, तो ये वाला एक व्हाइट वाला लगा लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड मैं सोच रहा हूँ ये वाला ठीक लगेगा, ये थोड़ा, हाँ गाइस, ये इसके साथ मैचिंग हो रहा है, क्या दिख रहा है देखने में, ठीक है। अभी ये जो हेलोविन है ना, ये देखो क्या थीम दिख रहा है गाइस, मतलब देखने में ये हेलोविन लाइटिंग में, ओ भाई कितनी डरावनी लग रही है। तो गाइस, हम लोग आज ये वाला एपिसोड जो है ये हेलोविन वाले वे में ही करेंगे, ताकि थोड़ा लोगों को मजा भी आए देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रीज है, ओ माय गॉड, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, दिस इज समथिंग नाइस, मतलब क्या दिख रहा है देखने में। ये वाली लाइटिंग भी अच्छी लग रही है, और सेम टू सेम ये वाली लाइटिंग उससे ज्यादा अच्छी लगने लग जा रही है डरावनी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें रिकॉर्ड किया जाए, थोड़ा क्रिसमस मना लेते हैं यार, मतलब अभी क्या ही क्रिसमस मनाने का है। लेकिन बंद कर देते हैं वाले लाइटिंग और सिंपल लाइटिंग में आ जाते हैं, लेकिन सिंपल लाइटिंग यार मजा नहीं आ रही, थोड़ा क्रिसमस वाली लाइटिंग में करते हैं। तो क्रिसमस वाली लाइटिंग में ये वाला चीज तो देख के क्या मजा आ रहा है, मतलब यहाँ पे ठीक है। अभी फटाफट से मैं तुम लोग को एक और सरप्राइज जो बोल रहा था, वो सरप्राइज, दो सरप्राइज है, एक सरप्राइज जो है हम लोग को यहाँ जो पीसी में एक बहुत बढ़िया चीज आई है, और वो ये है कि मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कहाँ गया वो ईमेल। ये रहा, ये जो ओनर है हमारे बिजनेस के, टिम भाई, उन्होंने एक मैसेज डाला था, हेलो, सीइंग द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग हैज इंस्पायर्ड मी टू गेट बैक इनटू बिजनेस। आई स्पॉट अ ग्रेट नीड ओवर हियर इन मार्बेला, कांट स्पीक टू मच अबाउट इट, लेट्स जस्ट से इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑल आई नीड इज अ लिटिल फ्लोट, से $5,000, इन रिटर्न आई एम रेडी टू गिव यू 10% ऑफ टिम रेड्स हॉट रिपेयर्स, इट फील्स लाइक यू हैव अर्नड इट। ये भाई साहब सिंपल ये कहना चाह रहे, जो हमारे अंकल है वो ये कहना चाह रहे कि $5,000 दो, और चुपचाप से 10% जो मेरे दुकान का शेयर है वो तुम रख लो, यानी कि $5,000 में हम लोग को 10% शेयर मिल जाएगा। लेकिन 5,000 से के लिए हम लोग के पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, अभी हम लोग बस 2,600, ये तो मैं कमा लूंगा, 5,000 बड़ी बात नहीं। लेकिन ये वाला चीज भी अच्छा है, अभी मेरे को 10% शेयर मिल जाएगा। लेकिन इससे बेहतरीन चीज मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये वाला, यहाँ पे हम लोग को पीसी बिल्ड करने का मौका मिलने वाला है भाई, लेकिन बजट में करना है। ये एक ऑर्डर आया था, मैं जब ऑफ कैमरा खेल रहा था तब मुझे एक ऑर्डर आई थी कि $750 के अंदर मुझे एक पीसी बिल्ड करना है, और यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड में जाना है, और ये जो व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे, ये व्हाइट बोर्ड में जो है यहाँ पे लिखा हुआ पीसी बिल्ड करने का। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी हम लोग ना पीसी वीसी बिल्ड करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो छोटे मोटे काम है ये सब मैं निपटा लेता हूँ, फिर एक साथ ही पीसी बिल्ड क्यों ना करें, क्योंकि पीसी बिल्ड करने के वक्त मेरे को लगता है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और सब जन को थोड़ा कम। तो यहाँ पे जो बाकी सब सामान है वो सब भी मंगा लेता हूँ, और पीसी बिल्ड का काम भी मैं एक साथ ही करूंगा, अलग अलग करूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगा। इसमें क्या, हम लोग को 16 GB रैम अपग्रेड करना है, इसमें 8 GB का है T4s ग्रुप, ठीक है। इसको फटाफट से डार्क वाला मैं मंगा लेता हूँ फटाफट से, और रैम ये रहा, मेमोरीज में जाना है यहाँ पे, और डार्क वाला मंगाना था। अरे यार, मैंने जल्दी जल्दी में वो चीज़ चेक नहीं की,
फटाफट से इसका वो देख लेते हैं। 26, अच्छा 2666। मैं यही चीज ध्यान देना भूल जाता हूँ, हर्ट्स ना इंपॉर्टेंट होता है यार। हर्ट्स के हिसाब से नहीं मंगाओगे ना तो कुछ भी हो जाता है भाई। ये देखा, ये वाला मैं कार्ड में ऐड करता हूँ, फटाफट से इसको बाय न्यू कर लेते हैं, और ये वाला एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ मैं। और नेल्सन भाई का भी कुछ आया था, ये देखो भाई, मेरे को समझ नहीं आता इतना रैम अपग्रेडेशन होता है लोगों का। सेम टू सेम वही वाला मंगा रहे, रैम बस 3000 का रह रहा, तो इसको 3000 वाला में हम लोग को मंगा रहे। तो फटाफट से चलते हैं और हम लोग 3000 वाला भी मंगा लेते हैं, और ये रहा 3000 वाला, इसको भी हम लोग ऐड करते हैं फटाफट से, और इसको भी ऑर्डर मार देते। अभी पैसा जा रहा है लेकिन टेंशन, मतलब पैसा वापस रिटर्न के आने वाला है मेरे पास, कहीं जाएगा नहीं, पैसा मेरे पास ही आएगा। अपग्रेड सीपीयू, सीपीयू में क्या लगा हुआ है, इंटेल i3 6300, ठीक है, इंटेल का लगा i3 6300। तो फटाफट से शॉप चलते हैं और शॉप में देख लेता हूँ कि इंटेल के कुछ अच्छे प्रोसेसर मिल सकते हैं क्या। इंटेल i3 6300, तो इंटेल i3 6300 किधर दिख रहा है गाइस, मेरे ख्याल से 6300 ये रहा। इसको हम लोग को अपग्रेड करना है, तो इससे अगर थोड़ा अच्छा वाला हम लोग को देखना है तो इन्वेंट्री में ये वाला भी है इंटेल i7 6700 की, लेकिन ये थोड़ा महंगा हो जाएगा और मेरे को ये उतना पैसे भी नहीं दे रहा है, तो मैं इसको इतना महंगा वाला तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यही वाला दे देते हैं, ये वाला अपग्रेड करने वाला था ना भाई, तो ये वाला एक खरीद लेता हूँ और ये सस्ते में उसका काम हो जाएगा। मेरे को इतना पैसा क्यों दूं भाई मैं इसको बेफुकट का, इतना खर्चा भी तो मैं नहीं करूंगा ना, अपग्रेड ही करना है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं फटाफट से। फिर इसके बाद यहाँ पे हेजल जी ने एक मैसेज डाला, ए जस्ट राइटिंग यू से डेट अल्टरनेटिव रिपेयर सेशन हैड नो इफेक्ट, इज मोस्टली लाइक डेट यू कंडक्टेड द हीलिंग रिचुअल इनकरेक्टली, बट डेट्स ओके, यू आर नो वाइज आफ्टर ऑल। क्या बोल रहा है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा, डायग्नोस एंड फिक्स करना है। अच्छा, ये वाला चीज डायग्नोस एंड फिक्स करने वाले की है, तो भाई देखना पड़ेगा यार ये मेरे को ना डायग्नोस एंड फिक्स मुझे समझ। हाउ आर मेनी कैंडल्स यू सेट अप लास्ट टाइम, डबल इट, यू कैन नेवर हैव टू मेनी कैंडल, डू यू हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन स्टैंड बाय, डू वी डोंट वांट अ रिपीट ऑफ द फेल वुड इंसिडेंट। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जब आएगा तब चेक करेंगे इसका। बाकी यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड का पीसीएस में कौन सी ग्राफिक कार्ड लगी थी मैंने चेक नहीं की होगी, ये वाली ग्राफिक कार्ड रखी है शायद मैंने हटा के लगा दिए दूसरी वाली ग्राफिक कार्ड, इसकी ग्राफिक कार्ड ऑन वही होगी। तो बाकी सब चीज तो शायद मैंने कर लिया एक्सेप्ट, बाकी सब चीज कुछ कुछ चीज जो है लेवल पे डिपेंड करेगी, तो लेवल जब आएगा तभी हम लोग कर पाएंगे, तो अभी फिलहाल इंतजार कर लेते फटाफट से। यहाँ पे कुछ एक मैसेज था, अरे बाद में पे करूंगा यार मैं, तो फटाफट से चलते हैं। और ये पीसी का काम भी एक साथ यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये पीसी का कहाँ, अच्छा यहाँ पे चिपका देते हैं हम लोग। अब ये करना पिकअप जॉब, अरे पिकअप कैसे जॉब करते हैं भाई, क्लिक टू पिकअप जॉब, ठीक है जॉब पिकअप कर लिया। अभी क्या करना, अच्छा मुझे टेबल भी रखनी पड़ेगी, ये टेबल मुझे खाली रख रही है, तो ये लेवल में लगा दूं। अच्छा यहाँ ये टेबल पे चिपकाना पड़ेगा तो असाइन होगी। अब यहाँ पे हम लोग पीसी बना सकते हैं, पीसी को हम लोग को सिंपल रखना है, ज्यादा कुछ काम धाम नहीं करना है, पीसी को हम लोग बूट कर सकते हैं ओएस से, ठीक है। स्पेंड लेस देन $750, अपग्रेड 16 GB रैम। अरे भाई पीसी बनाने के लिए उसके लिए कैबिनेट भी तो चाहिए मेरे भैया, इतने बड़े वो कहाँ से लाऊंगा मैं। तो एक काम करते शॉप चलते फटाफट से, और भाई मुझे इधर दिखना पड़ेगा पीसी को रखने के लिए, तो भाई कुछ चीज भी तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ऊपर हवे हवे में चिपका दूंगा मैं, मेरे को तो कुछ। ये देखो केसेस मुझे जो रखना है मैं सबसे सस्ता वाला ढूंढूंगा, क्योंकि भाई ज्यादा खर्चा नहीं करना, $750 करना है। तो केसेस में कूलर मास्टर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा महंगे। ये कूलर मास्टर बॉक्स $80 का, ये एक मंगा लेता फटाफट से, तो ये कर लेता फटाफट से, ठीक है। और इसमें भाई साहब ने कुछ बोला नहीं था मुझे कि कुछ ज्यादा डालना है, उसने बस ये बोला था मुझे कि रुको यार एक मिनट ईमेल जान दो मुझे, फटाफट से ईमेल खोलना पड़ेगा, सबसे नीचे डालते हैं। और भाई ने कुछ बोला था कि यार कुछ मुझे डालने का जरूरत नहीं ज्यादा, मुझे बस रैम वैम डाल के दे दो और मेरा काम चल जाएगा। लेकिन मेरे भाई सिर्फ रैम से पीसी नहीं बनती ना मेरे भैया, 500 GB स्टोरेज चाहिए, 16 GB रैम चाहिए, उतने में अगर हो जाता पीसी बन जाता तो कितना ही बढ़िया बात होता ना। ये मेरे को ₹950 तक देगा, लेकिन अभी मेरे को फिलहाल ढूंढना पड़ेगा, ₹90 तो ऐसी, ₹80 तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। शॉप में चलते हैं, प्रोसेसर एक सस्ता वाला ढूंढता हूँ, सबसे सस्ता वाला प्रोसेसर ये मेरे को एक मिल गया है सेलेरन का, ठीक है ये एक ऐड कर लेते हैं। फिर इसमें भी चलते हैं कूलिंग में भी, कूलिंग देना जरूरी है आई गेस, कूलिंग दे देते हैं। तो $10 का थर्मल वाला एक मिल रहा है, वो ले लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पैसा बचाना है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। अगर ये मेरे को कुछ ज्यादा बजट देता ना तब मैं थोड़ा कर लेता, ठीक है। मदरबोर्ड में भी चलता है फटाफट से, सबसे सस्ता वाला डालता हूँ भाई, क्योंकि पैसा कम दे रहा है, पैसा थोड़ा दिया होता तो फॉर श्योर मैं इसके लिए थोड़ा खर्चा करता। ऐसे ही $165 हो गया भाई, तुम लोग नहीं मान रहे तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मेमोरी भाई को देना है क्या, मेमोरी भी देना ही पड़ेगा यार, बिना मेमोरी के कैसे बात। कुछ कुछ चीज तो ऐसा लग रहा है भाई मैंडेट अगर नहीं डालूंगा तो चलेगी। तो फटाफट से यहाँ पे और सस्ता तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है $20 से, तो ये $20 वाला एक टाइटन ऐड कर देते। ग्राफिक कार्ड में भी कोई जरूरत नहीं है, सबसे सस्ता वाला ग्राफिक कार्ड भी भाई मेरे इसमें देख रहे हो, मतलब कितना महंगा है ग्राफिक कार्ड लगाना उसे, तो मेरे हिसाब से गाइस जरूरी होता नहीं है ग्राफिक कार्ड, बहुत सारे पीसी में नहीं भी होता तो चल जाती है। स्टोरेज देने बोला था भाई ने, स्टोरेज भाई ने कितना मांगा था मुझे याद नहीं है, स्टोरेज भाई ने बोला था मुझे 500 GB चाहिए, तो
स्टोरेज में थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। 500 GB किसी का भी चलेगा भाई ने बोला, तो सबसे सस्ता वाला ढूंढ दो 500 GB स्टोरेज जिसमें मिल जाए, तो मेरे लिए थोड़ी काम बन जाएगी। तो 500 GB का स्टोरेज तो इसी का ही मॉडल दोनों का ही है। ये एक मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, मैं इसको ना मंगवा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसको ऐड टू कार्ट नहीं करता मैं, ठीक है। ये मेरे पास एक पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यार ऑर्डर कर लेता, और मेरे पास जो सामान पड़े रहती है ना, मैं इसे फ्री में दे भी नहीं सकता कि मुझे कब काम आ जाए, मुझे ये चीज़ नहीं मालूम। तो ये एक ऐड टू इन्वेंट्री ये है, लेकिन ऐड टू कार्ड भी एक कर देते। $235 ऐसे ही हो गया पैसा का, बाकी चला गया जितना भी गया अभी तक के, चलता है। पावर सप्लाई भी देना है क्या भाई को? पावर सप्लाई यार सस्ते में कुछ मिल रहा है? $80 सबसे सस्ता है, नहीं $30 सबसे सस्ता है, नहीं $20 सबसे सस्ता है, हाँ $20 सबसे सस्ता वाला। ये मेरे पास एक रखा हो, क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, ये तो मुझे वैसे भी काम। केबल भी मंगाना पड़ेगा ना मेरे भाई, केबल मेरे पास रखी हो ना ओन, तो मैं केबल तो लगा दूंगा, केबल की तो बात नहीं, मेरे पास खुद की केबल बहुत सारी है। बाकी इसमें सस्ता कौन सा है, हमारे पास केसेस भी है, केसेस तो मैंने मंगा दी ना, केस के फैन भी मंगाने होंगे ना, केस के फैन भाई मैं देख रहे हो कितने महंगे, $5 का एक है मोरिटोनी हीट पे, ठीक है ये वाला भी हो गया। और क्या चाहिए था भाई को, हम लोग को रैम भी देना था ना, 16 GB रैम, तो फटाफट से ना हम लोग रैम भी ऑर्डर कर लेते हैं। रैम के लिए मेमोरीज में जाना है, और रैम तो मैंने यार सबसे सस्ता वाला इससे मंगा दिया था, एड टू कार्ड किया क्या मैंने रैम? हाँ यार रुको ये एक मिनट ना, रैम मुझे हटाने दो, रैम भाई ने 16 GB का बोला था, मैंने खुशी खुशी में डाल भी दिया था ये, ठीक है कोई बात नहीं। ग्राफिक कार्ड भी यार कोई सस्ता वाला देख के सोच ही रहा मंगा देता हूँ, रैम 16 GB का डायरेक्ट अगर मिले तो सस्ता मिलता है, तो 16 GB का यहाँ पे रैम मुझे ढूंढना पड़ेगा। 16 GB का रैम तो मेरे को मिला था यार एक बार, पता नहीं कहाँ चले गया 16 GB का, ये रहा 16 GB का 135, मैंने तो यार 150 में एक बार खरीदा था, मुझे ज्यादा महंगा पड़ गया 135 का है। और कोई 16 GB का नहीं है क्या यार? मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, ये रही 175 भाई, बहुत महंगा है, क्रॉस एयर का है भाई, इतना कोई खर्चा नहीं कर रहा मैं इसके पीछे के लिए, मेरे को भाई पैसा वसूलना, पैसा देना नहीं $170, तो मेरे हिसाब से $135 वाला ही सबसे बेहतरीन है भाई, पैसा भी बचा रहा है और 16 GB दे भी रहे, तो ये मेरे लिए ऐड टू कार्ड हो जाने से $355 हो गया। ग्राफिक कार्ड भी अब दे ही देता यार, इतना क्या गरीबी करना। सबसे सस्ता वाला ग्राफिक कार्ड ये है, $165 का है शायद, नहीं $160 का है, $160 हम लोग $90 का भी दिखा है, $90 का भी मिले, $90 से नीचे है क्या गाइस? मेरे ख्याल से $90 से नीचे तो कोई ग्राफिक कार्ड देगा ही नहीं जिंदगी में, और मुझे लगता भी नहीं अगर देगा तो पागल है। तो $90 वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो हम लोग फटाफट से ऑर्डर कर लेते हैं ये ऐड टू कार्ड, और हम लोग पीसी बिल्ड करने के लिए एकदम तैयार है। ये कुल मिला के होगा ₹445, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा है, सस्ते में ही काम आ जाएगा हमारा। जितने मैंने सबसे सस्ते वाले चीज़ें यहाँ पे पूरे असेंबल कर लिए और एक साथ बाय करने वाला, ये सब सामान देखते हैं किस दिन तक आता है, और जिस दिन आएगा ये मेरे ख्याल से यार अगले ही दिन आ जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम तो उसे लगने नहीं चाहिए, क्योंकि यार पता नहीं कितने सारे दिन अलग अलग दिन आने वाले हैं। अब ये पीसी बिल्ड कब तक करके देना है, इसका कोई डेट नहीं था ना आई गेस, मेरे ख्याल से नहीं सर कोई दिन नहीं है, तो आराम से करके दे सकते हैं। $950 का है, ज्यादा रिस्क वाला नहीं है, तो फटाफट से हम लोग कल के दिन को शुरुआत करते हैं और सोने के लिए चलते हैं गाइस फटाफट से। तो या तो गाइस हम लोग सो के उठ चुके हैं, और मैंने ना लाइट बंद कर दी थी जाने से पहले, क्योंकि भाई थोड़ा ज्यादा खर्चा ना हो जाए क्रिसमस की लाइटिंग में, इसलिए। और देख रहे हो कितने सारे पीसी रखे भाई, पहले तो सामान उठा लेते और एक ही सामान आया इतने में, भैंस की टांग, इतना सारा सामान मैं लाऊंगा कहां से अपग्रेड ग्राफिक कार्ड करने, इनका सामान उठाते और फटाफट से देखते। ये टेबल तो असाइन हो गया, फिर भी ना ये टेबल में ना मैं काम नहीं कर सकता ना अभी, तो ये जो टेबल का सामान है इसको हटाना पड़ेगा भाई, ये वाला ना सामान ना मेरा दिमाग खराब कर रखा था, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये कब से ना थ्री डी मार्कर कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो इसका जो सामान है ना मैं फटाफट से लगा देता सोच रहा हूँ, तो इसका ग्राफिक कार्ड जो है ना वो यहाँ पे लग जाएगी, और इसका जो सामान है प्रोसेसिंग जो भी है प्रोसेसर, ये फटाफट से मैं कूलिंग वाला लगा के ना इसको बाद में काम करते, जो भी है मेरे को ना दिमाग खराब कर रखा है ये जो भी इसका काम धंधा है भाई, मतलब कितना इसका कितना काम है भाई, मतलब मेरे को चीज़ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे और भी चीज़ गायब है आई गेस, ये पीछे क्या लगी है इसकी, जो भी लगी है फटाफट से ना इधर एक ग्राफिक कार्ड भी इसमें लगी है आई गेस, मैं भूल गया उसका ग्राफिक कार्ड कौन सा था, इनकम्पेटेबल बता रहे इसका ग्राफिक कार्ड मैंने शायद उड़ा दिया, मैंने ग्राफिक कार्ड खुशी खुशी में इसको किसी का दान दे देने है, ग्राफिक कार्ड तो है यहाँ पे लेकिन केबल में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। अच्छा गाइस तो यहाँ पे दिक्कत है मेरे ख्याल से डायग्नोस का कुछ, डायग्नोस एंड फिक्स पीसी कैन बूट, तो मुझे लग रहा है क्यों ना मुझे केबल्स लगानी पड़ेगी लग रहा है, तो ना मैं एक काम करता हूँ फटाफट से ना मैं कोई केबल्स ले लेता हूँ यहाँ पे, फटाफट से पीसी को ऑन नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है, केबल्स जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ दिखा भी रहा है, उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी लेकिन अभी मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ केबल्स में कुछ चीज़ें बता रहा है कि उसको लगानी है, अब क्या लगानी है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन वो यहाँ पे दिखा रहा है,
यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे पक्का कुछ दिक्कत हुई है, यहाँ पे भी कुछ दिक्कत हुई है इस पीसी में। ये पीसी का काम मैं फटाफट से काम कंप्लीट करता हूँ, तुम लोगों को मिलता हूँ उस पर गाइस, फटाफट से काम कंप्लीट कर लेते इस पीसी का। तो गाइस फाइनली मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारा ग्राइंड नहीं किया और कुल मिला के मैंने 2-3 पीसी ठीक किया और 8-9 दिन मैंने स्किप कर दिया, यानी कि स्किप किया, मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ भी ऑर्डर मैंने लिया और वो जो पीसी बनाने का ऑर्डर था उसको मैंने ध्यान दिया और उसके मैंने सब ऑर्डर तुम्हारे सामने मारे थे, वो सब ऑर्डर आ चुके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका केस भी आ चुका है। जो उसका केस है वो कहाँ गया, उसका केस भाई, उसका केस किधर चले गया फटाफट से, ये रहा उसका केस, यहाँ पे ये जो एम्प्टी केस रखी है, अरे भाई रुकना, ये जो एम्प्टी केस रखी है इसको हम लोग फटाफट से उठा के यहाँ रख देते हैं और पहले हम लोग चालू करते हैं काम बनाना फटाफट से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पीसी बनाने के लिए, तो फटाफट से इसको इस एंगल से भी खोल लेते हैं, इस एंगल से भी खोल लेते हैं और इस एंगल से भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि यार थोड़ा काम करना है इसमें इंपॉर्टेंट, तो चारों एंगल से घुस रहेगा तो मेरे को थोड़ा ईजी पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले हम लोग लगाते हैं मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो पहले लगती है हमेशा, तो मदरबोर्ड में लगा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे मदरबोर्ड जैसे फिट होगी ना उसके बाद एक के बाद एक सब चीज लग जाएगी, वो ज्यादा हार्ड नहीं होगी, तो मदरबोर्ड हम लोग यहाँ फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मदरबोर्ड लग गया, ठीक है। अब मदरबोर्ड के भाई कितना स्क्रू लगता है भाई मदरबोर्ड के ऊपर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने सारे ठीक है कोई बात नहीं भाई, फटाफट से ये हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर ये वाला केस लगा लेते हैं, ये वाला केस लगते जा रहा है, ये लगते जा रहा है, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग को लगानी यहाँ पे एक बढ़िया सी सीपीयू, मतलब जीपीयू बोल रहा हूँ। अब हम लोग ने सस्ती वाली एक मंगाई थी, मैंने शायद पेंटीएम की भेज दिए, नहीं ये रही सबसे सस्ती वाली यही है, क्योंकि भाई ने बोला था मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं बोला ठीक है ले ले, मैं तेरे को सस्ता दे दूंगा, तू ही होशियारी दे रहा है तो रख ले। अब हम लोग इसके ऊपर फटाफट से कूलर लगाएंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई भी देना है, तो पावर सप्लाई के लिए पहले हम लोग नीचे चलते हैं और पावर सप्लाई भी लगा लेते हैं। पावर सप्लाई मेरे ख्याल से सबसे सस्ता वाला ये वाला है, तो इसके हम लोग को इस साइड जाना पड़ेगा नीचे और ये लगेगी कैसा आई गेस, इसको निकालना पड़ेगा क्या। हाँ मैं समझ गया था, मेरे को लग रहा था भाई तुम लोग निकालने की बात करोगे। रुको अभी इसको रिमूव कर लेता फटाफट से, तो इसको रिमूव किया मैंने और यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता पावर सप्लाई सस्ती वाली, क्योंकि भाई मुझे तो सस्ता ही देना है ना, वो उसने भी मुझे कौन से 100 करोड़ देने हैं क्या भाई। अगर ये मुझे बोलता 4-5 हज़ार दूंगा पीसी बिल्ड करो भाई, बार में निकालता मैं अमीर अमीर चीजें निकालता, मुझे क्या था, लेकिन मैंने नहीं निकाला भाई, तुमने बोला तो ठीक है मुझे क्या है लेने का। तो ये पीसी माउंट फटाफट से इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं, ये पीसी माउंट लग गई है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा काम ये करते हैं कि हम लोग कूलर लगा देते हैं, मैंने कूलिंग भी मंगाया, सोचो इतना महंगा रहने के बावजूद भी मैंने, मतलब इतना वो रहने के बावजूद भी मैंने इसके लिए कूलिंग मंगाई भाई, आउट ऑफ बजट भी जाना था, जा सकते थे हम लोग, लेकिन मैंने फिर भी इसके लिए थोड़ा कूलिंग मंगा दिया, पैसा ज़्यादा लग सकता था लेकिन फिर भी मैंने मंगाया, क्यों मंगाया भाई, मैंने सोचा कस्टमर के बारे में इसीलिए। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे केबल कनेक्ट कर लेते हैं, ये वाला केबल भी लग गए और यहाँ से भी केबल एक देनी है हम लोग को, पीसी पहली बार बिल्ड कर रहा ना तो गाइज मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, बाकी हम लोग यहाँ साइड से भी एक देने वाले केबल, तो ये वाले केबल भी लगा दी। अब हम लोग को बच रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ प्रोसेसर हो गया, कूलिंग हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मेमोरीज। मेमोरी में मैंने मंगाया था 16 GB वाला, क्योंकि भाई ने डायरेक्ट 16 GB का ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पे एक 16 GB का पीसी फटाफट से ये निकालते खोलते और इधर 16 GB का एक जल्दी जल्दी से फटाफट से लगा देते, तो ये वाला भी काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग ग्राफिक कार्ड में चलते हैं, मैंने भाई के लिए ग्राफिक कार्ड का भी ख्याल रखा इसलिए सबसे सस्ता वाला मैंने ग्राफिक कार्ड मंगा दिया था यहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे लग जाएगी, लेकिन इसके लिए खोलनी पड़ेगी इसको हम लोग को, भाई खुल जाना जल्दी जल्दी से फटाफट से। ये PSI कवर मेरे को हटानी पड़ेगी, तो मेरे को ये PSI लॉक जो लगी है ना यहाँ पे गाइज इसको हटानी पड़ेगी आपको, तो एक हटा लेते हैं हम लोग इस साइड और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं ग्राफिक कार्ड सबसे अच्छी वाली, मतलब इसके हिसाब से अच्छी है, मेरे हिसाब से तो मुझे बेकार लगी, लेकिन भाई पैसा दिया नहीं उतना, तो मैं दिया होता तो मैंने कर दिया था। और भाई मुझे स्टोरेज में भाई ने बोला था 500 GB लगाने का, तो 500 GB वाला मुझे तो यही वाला मिला था सबसे सस्ता, तो यहाँ पे एक स्टोरेज भी लगा लेते फटाफट से, स्टोरेज के लिए बाहर आ जा भाई जल्दी जल्दी फटाफट से, टाइम वेस्ट मत कर मेरा, उसी पनवेल की स्पीड में मुझे निकाल ली। अरे भाई लग जा, लग गया था भाई ये, लगभग लग गई थी, अभी मेरे को दिमाग का दही कर रही है, लग जा ना भाई, अरे जिद है भाई अलग ही सा, लगना ही नहीं है, क्यों नहीं लगना भाई इसको, इस साइड क्यों दिखा रहे हैं। एक काम ये करते हैं गाइस, इसको हम लोग फटाफट से ना मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं हटेगी, इसका ना थोड़ा सस्ता वाला केस है ना तो ऐसे ही लगेगी, मेरे को पता था इसमें ऐसे ही इंस्टॉल करना पड़ेगा यार, इसको पहले अंदर धक्का मारते फिर इसको बंद करते, ये वाला काम भी हो गया। अब हम लोग ने इसमें वो भी लगा, मैंने केबल घूम दिया, कोई बात नहीं, खुशी खुशी में केबल अभी लगा देंगे, केबल वापस लगा देते, एक काम करते, केबल कितना टाइम लगता है लगाने के लिए फटाफट से यहाँ, अरे भाई लग जा केबल ही लगना है तुझे, लग जा भाई लग जा। अब ये जो केबल है यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ये वाला इसमें एक और केबल है वो यहाँ कनेक्ट, ठीक है। तो एक केबल का काम हो गया, यहाँ तो लगभग इसके हिसाब से काम हो गया, लेकिन वो पावर सप्लाई भी दे दिया मैंने, केबल भी हो गया, केस फैंस डजंट फिट यहाँ पे बोल रहे हैं $2 के। मैंने एक मिनट, मैंने सीपीयू लगाई थी क्या इधर मंगा के, एक मिनट ये सीपीयू इसमें क्यों लगाई मैंने,
मैंने इसके लिए केस फैंस, अच्छा केस फैंस और सीपीयू में फर्क है ना, मैं भूल गया था, कूलर है ना ये मेरे ख्याल से। हाँ तभी मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा मैंने केस फैंस और सीपीयू को एक साथ देख लिया। कोई बात नहीं गाइज, अभी ये सब हो गया, हम लोग बना दिया एक बढ़िया सा पीसी। तो गाइज फाइनली ये जो पीसी है ये तैयार है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी ये थी कि हाँ केस फैंस की कमी थी। केस फैंस हो जाता थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, छोटा था केस फैंस, सोच रहा हूँ केस फैन मंगा दूँ, लेकिन नहीं भाई मुझे, मेरे को क्या लेना, मेरे को पैसा लेना है बस ही, मेरा 400 रुपए का खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, और मैंने एक एक्स्ट्रा और वो मंगा दिया यार, मतलब खाली सा एक कैबिनेट, खुशी खुशी में मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये चीज़ हम लोग ध्यान दे दिए तो आगे से गलती नहीं होगी। बाकी अभी फटाफट से ये वाला पीसी खुशी खुशी विदा करते हैं, क्योंकि भाई मेरे को पहला पीसी बनाया, एक्सपीरियंस आ गया, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मंगानी है, बाकी ध्यान रखना। तो ये वाला पीसी जो है गाइस फाइनली बन गया, अब हम लोग इसमें केबल लगाएंगे और स्टार्ट करके देखेंगे क्या ये पीसी चलेगी। अगर ये पीसी चल गई तो हमारे तो बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी कि मुझे पीसी बनाना आ जाए, और मुझे पीसी फाइनली बनानी आ गई है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो यहाँ गाइस फाइनली पीसी चालू हो गया, मतलब बहुत खुशी की बात है यार, मतलब कितना बड़ा काम हो गया, हम लोग का पीसी बन गया। नो एस, अच्छा मैं समझ गया, अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग अभी ड्राइव लगा देते, नो एस है ना, अभी ड्राइव लगा के फटाफट से चल जाएगी पीसी। अब चलेगी ना पीसी, पीसी वापस बंद करके चालू करूँ तो चलेगी, अब चल जाएगी ना पीसी, क्यों नहीं चलेगी। मैंने जो सेटअप किया पीसी कैसा नहीं चलेगी भाई, देख रहे हो बूटस्ट्रैपिंग हो रहा है, फॉर्मेटिंग हो रहा है जितने भी पीसी में, तो पता नहीं इंस्टॉलिंग कोर लाइब्रेरीज, ओ माय गॉड, इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, और यहाँ पे इंस्टॉलिंग मार्केटिंग आईडीज, बहुत कुछ चीज इंस्टॉल हो रहा है, वर्किंग बूट सेक्टर और बहुत कुछ चीज होगा, बूटिंग भी हो रहा है। फाइनली हमारा जो पीसी है वो तैयार हो जाएगा इतना सब होने के बाद, और अब पीसी को हम लोग को कुछ भी नहीं करना है गाइस, बंद करनी है, उठानी है इसको फटाफट से, और जाके हम लोग को दे देना है, यहाँ पे दे मारना है भाई। ये वाला काम हो गया, फटाफट से हम लोग पैसा लेते हैं अपना भाई, क्योंकि मैंने फ्री में नहीं किया, मेरा हाथ पर दर्द हो गया भाई, कितना काम करवाया इस बंदे ने, मैं ही जानता हूँ। ओ भाई 5 स्टार दिया भाई ने, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से काम किया भाई, पूरा उसको नया पीसी बना के दिया, तो देना भी चाहिए उस हिसाब से। अब ये डायग्नोस वाला यार मुझे नहीं समझ आ रहा, डायग्नोस एंड फिक्स 3D, पता नहीं भाई को कुछ दिक्कत है। आई बॉट अ पीसी फ्रॉम अ वायल बैक, ये वाला काम जितने भी गाइस पहले करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम था हम लोग को, ये कबर्ड खोलने का, तो फटाफट से हम लोग कबर्ड खोल लेते हैं, क्योंकि भाई ये वाला इन्वेंटरी में कुछ कम पड़ रही है, तो फटाफट से ये जो कबर्ड है ये हम लोग अनलॉक कर लेते हैं। और फाइनली गाइस हमारा जो कबर्ड है वो भी अनलॉक हो चुका है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कबर्ड यार मेरे को अनलॉक करना था बहुत पहले से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मेरा टारगेट ये रहेगा कि ये जो एक और बची है 8 लेवल की, इसको भी हम लोग ओपन करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, और हम लोग इसका 10% भी खरीद लें, ट्राई करूंगा, श्योर नहीं हुई। $5,000 बोलने से बहुत बड़ी बात होती है, मैंने अभी तक के मैक्स टू मैक्स $3,500 ही टच कर पाया, इतना ज्यादा मैंने नहीं टच कर पाया, लेकिन मेरा टारगेट ये रहेगा कि ये वाला टेबल भी खुल जाए तो मैं एक साथ ज्यादा काम कर पाऊँ, ये भी शायद $1,500-$2,000 में खुलेगा, ये तो खुलेगा अगले वीडियो में, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी चाहिए, 25% तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले 10% मिलेगा, यहाँ पे मैं अपना नाम चेंज करूंगा भाई भैंस की, मेरे नाम पे आएगा न्यूमर्स पीसी शॉप, या तो तुम लोग गाइस कमेंट करके बताओ यहाँ नाम क्या रखना फटाफट से, क्योंकि भाई कोई भी अच्छा कमेंट करेगा तो उसका नाम ही यहाँ पे डाल दूंगा, मैं अपना सोचूंगा नहीं, तुम लोग जो नाम बोले अच्छा वाला वो यहाँ पे डालूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि इधर मैं क्या नाम रखूंगा जब मैं इधर का ओनरशिप लूंगा, बाकी शेयर कर दो यार, पीसी बिल्डिंग के लवर इतने लोग हैं, अभी गेमिंग चल रहा है, पीसी सभी बना रहे, तो थोड़ा उनको भी शेयर करो, शायद उनको नॉलेज मिल जाए। हम लोग चलते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, बाय बाय।